नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A13 4G versus Infinix Hot 12 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A13 4G में 6.5 इंच जबकि Hot 12 Pro में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy A13 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A13 4G में 3.01 इंच जबकि Hot 12 Pro में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A13 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A13 4G में 0.35 इंच जबकि Hot 12 Pro में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A13 4G में 195 ग्राम जबकि Hot 12 Pro में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A13 4G में RTFT LCD जबकि Hot 12 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy A13 4G में 20:9 जबकि Hot 12 Pro में 20:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A13 4G में 1080x2408 और Hot 12 Pro में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A13 4G में 83.38% जबकि Hot 12 Pro में 84.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A13 4G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Hot 12 Pro में 267 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A13 4G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 12 Pro की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A13 4G में Mali-G52MP1 जबकि Hot 12 Pro में Mali-G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A13 4G में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Hot 12 Pro में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Hot 12 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Hot 12 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A13 4G में अप टू 1TB जबकि Hot 12 Pro में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A13 4G में 4 कलर्स जबकि Hot 12 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
गैलेक्सी A13 4G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Hot 12 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A13 4G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स Hot 12 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A13 4G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Hot 12 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Tecno Spark 8P है, तीसरा Vivo T144W है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।